जय माता के सभी भक्तों को। जो शास्त्र विसर्जन है ये कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही कर लें। जो कंजक वगैरह देनी है, एक कंजक के लिए जो भी आपने देना है, हलवा पूरी जो भी बना के देना है, वो एक कंजक के लिए निकाल के रख लें। उसके बाद साग जो विसर्जन करके घर आएँ तो उसके बाद आप जो कंजके हैं वो दे सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि नहीं, हम साग विसर्जन से पहले कंजके देनी है, उसके बाद हमने साग विसर्जन करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक कंजक के लिए कुछ सामान निकाल लें और उसके बाद घर आके जो कंजके हैं वो दे लें, और सुबह जो सूर्य उदय होने से पहले मुहूर्त है वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। और आज के दिन पर क्या कहेंगे? आज महागौरी का आठवां दिन है, नवरात्रों के आठवां दिन महागौरी की पूजा की जाती है, और माता गौरी अत्यंत गौर वर्ण की है, तो उनका जो वाहन है वो भी वृक है, बैल है, ये भगवान शंकर का भी बैल है। माता गौरी है जो भगवान शंकर की अर्धांगनी है, तो उससे ये है कि माता गौरी से प्रार्थना करें, भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो भी आपने अपने साथ नवरात्र निकालें और आज में माता गौरी से प्रार्थना करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद आपके हमेशा के लिए बना रहेगा, और आपको माता रानी जो भी आपकी मनोकामना है।